गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तो हमें देख के ही पता चलता है ना पहले के बच्चों को कि ये क्या है, क्या है इसका नाम, क्या है इसे क्या बोलते हैं। क, वेरी गुड। क कैसा लिखने का आपको मालूम है, बराबर। ये क्या है, कप। ये कपाट। ये कढ़ई। ये कणिस। ये कौन सा अक्षर है, क। वेरी गुड। अभी ये देखो, ये कौन है, मांजर, बिल्ली, मांजर। ये कौन है, माकड़, मोर, मासा। ये कौन सा शब्द है, म। हमने पढ़ा है ना म। देखो ये कौन सा शब्द है, आ। आ कैसे हुआ, ये आ को एक काना लगाया। मैंने बोला था काना मतलब इसमें एक माचिस की तिकी या तिली रखेंगे तो हो गया काना। उभी रेश, उभी डंडी, खड़ी रहने वाली डंडी। हाँ, आ इसका नाम आगगाड़ी, आवड़ा, आरसा, आंबा। बरोबर, आंबा, आरसा, आवड़ा, आगगाड़ी। अभी ये लास्ट वाला, ये भी हमारा पढ़ के हुआ है। क्या है, ल। ल में से लसून, लाडू, लिंबू, लेजिम। इसमें जो पिंक कलर के जो शब्द लिखे हैं, अक्षर लिखे हैं, वो है ल। देखो लसुन में ल, ये पिंक कलर। लाडू में ल, ये पिंक कलर। सिर्फ हमें ल देखना है, उसके बाजू के कौन से भी अक्षर हमें देखने नहीं है। और आज हम सीखेंगे कामा। क्या सीखेंगे, कामा। ये देखो कामा, ये कामा कैसे होता है, दिखाती हूँ आपको कामा कैसे लिखते हैं। उभी डंडी, उसके ऊपर लाइन। कामा कैसे लिखने का देखो, अभी ये देखो, ये टीचर बोल रहे हैं। टीचर बोल रहे, ये क्या है, म। और ये क्या है, काना। उभी रेश, उभी डंडी, काना। अभी टर सर ने क्या किया, देखो दोनों को मिलाया, क्या हुआ, मा। म को काना दिया, मा। अभी देखो यहाँ पे भी देखो, म को काना दिया है, पहले ये अलग अलग है, अभी उसको जोड़ा, मा मा मा। ये है को, को को काना का, को को काना का, को को काना का, को को काना का। लो को काना ला, लो को काना ला, लो को काना ला, ल को काना ला। तो अभी हमें तो काना काना आता है, यानी क को काना लगाया तो क्या होता है, का। और ये म का म, ये म ला, ये ला लो, ये मामा, ये आला, ये काका, ये म का। अभी हम फिर से पढ़ेंगे। चलो, हमको कौन कौन से शब्द सीखे हैं हम लोगों ने पहले, देखो हम लोगों ने सीखे हैं को, को सीखा है, बराबर। हम लोगों ने को सीखा है, को के बाद सीखा है मो, मो के बाद सीखा है आ। आ को तो ऑलरेडी काना है और सिखा है ल। देखो ये है क, फिर से मैं ये क निकालती हूं,
और कौर को एक डंडी लगाएंगे उसे खड़े रहने के लिए। क्या हुआ का? अभी ये म, ये म ऐसा ही लिखने का, और म को क्या लगाया? डंडी। उभिरेश मा, ये क्या है? आ, आ को तो ऑलरेडी डंडी है ही, तो अभी ये क्या है? ल, ल को लगाया काना। क्या हुआ? ला। हाँ, फिर से देखो, फिर से हम लिखेंगे। क, एक निकाला, क को काना का, सुकानन नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा का। ये काना है, अभी दिखाई दे रहा है सबको, काना क को काना का। काना तो मुझे भी दिखता है, महक को भी दिखता है, सबको दिखता है काना, लेकिन इसको क्या पढ़ने का? फिर से को का, फिर से को का। अब आया मो, मो से म लिखा, म को काना मा। अभी लिखा म, म को काना, म लिखा, म को काना दिया मा। फिर लिखा म, म को दिया काना, समझ में आया? अब ये लिखा ओ, ओ को काना है ही आ। आ, 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 आ। अभी लास्ट अक्षर ल, ल, ल को काना ला, वैसे ही ल, ल को काना ला। फिर से ल, ल को काना ला, ल, 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 ल लिखने के बाद ला। अभी है ल, ल को काना ला। अभी आपको क्या करना है, ये पूरा लिखना है याद तो, और ये जो है ना, ये पेज नंबर 1818 नंबर है, 1818, इसमें से ये सगे शब्द पढ़ने वाले हैं और उसके नीचे लिखने वाले हैं, पढ़ने का लिखने का। समझ में आया सबको? हाँ, चला अभी हम देखेंगे। चलो बोलो मेरे साथ, बोलेंगे सब लोग। अग्गो बाई डग्गो बाई, अग्गो बाई डग्गो बाई, लागली कर डगला उना चिके उडीज, थोड़ी न थोड़की लागली फार, डोंगराला डोळ्यातला डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार। अग्गोबाई डग्गोबाई, अग्गोबाई डग्गोबाई, लागली कर ढगाला उन्हाची केवडीज, थोडी न थोडकी लागली फार, डोंगराच्या डोळ्याला पावसाची धार। वारा व वारा, वारा गरा गरा सो सो सुम, ढोल्या ढोल्या ढगात ढुम ढुम ढुम, विजबाई अशी काही तोरामध्ये खडी, आकाशाच्या पाठीवर चमचम छडी, खोल खोल जमिनीचे उघडून दा, बुड बुड बुडकाची बडबड फा, डुंबायला डबक्याचा करूया ना, साबू बिबू नको थोडा चिखल लगा। अग्गोबाई डग्गोबाई, अग्गोबाई डग्गोबाई, कळते अग्गोबाई डग्गोबाई,
अगबाई डगबाई लागली कर डगाला उनाची केवडीज थोड़ी न थोड़की लागली फार डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार वारा वारा गरा गरा सो सो सुम ढोल्या ढोल्या ढगात ढुम 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 वीजबाई अशी काय तोऱ्यात खडी आकाशाच्या पाठीवर चमचम छडी खोल खोल जमिनीचे उघडून दार बुड बुड बुडकाची बडबड फार डुंबाला डबक्याला करूया ना डुंबाला डबक्याचा करूया तलाव साबू बिबू नको चिखल हवा चिखल लगाव का दुसरं बीज माझ्या मागून म्हणायचं इथं काय रुचत माती खाली निसत पाण्याने भिजत इथं आहे इवलं सुरेखस बीज एवढासा कोंब हळूच येईल वर सूर्य म्हणेल त्याला माझा हात धर अंगाई गाणं वारा गाईल त्याला झुलता झुलता पानं येतील त्याला इवळ्याशा रोपांचं झाड होईल छान फुला फळांनी बहरेल रान ह्या कविता रोज रोज आपण म्हणायच्या हा आजपासून कळलं पहिलीच्या मुलांना व्हेरी गुड आणि आज काय करायचं वन आणि टू पण मी शिकवलंय वन लिहायचं पेजभर टू पण लिहायचं पेजभर आणि त्याचं स्पेलिंग पण लिहायचं ओ एन ई वन वन बॉल काढायचा टू टी डब्ल्यू ओ टू टू बॉल काढायचे तर टू सर्कल काढायचे टू नाही तर काठी काढायची टू चॉकलेट काढायचं तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही काढू शकता समजा पहिलीच्या मुलांना अभ्यास व्हेरी गुड शाबास